पुलिस प्रशासन को क्या इस घटना से पहले पता नहीं था कि प्रेम यादव का जो घर बना है वो सरकारी जमीन में बना है? इसके पहले भी नाप हो सकती थी, क्या घटना होने के बाद ये सब प्रक्रिया होने जा रही है? आप ये देखिए, जो अपराध हुआ है उस अपराध से और घर से क्या संबंध है, ये बड़ा विषय है। घर गिराना होगा, नापी हो जाएगी, खेत कट जाएंगे, फिर नापी हो जाएगी सिवान से, तीन सिवान से तो नापी हो नहीं पा रहे। कल अधिकारी जाके रेवेन्यू के खोजते रहे और सिवान ही नहीं मिला। तो ये अपराध, चूंकि प्रशासन ने एक बड़ा अपराध कर दिया है, उसको छिपाने के लिए और घटना को बहकाने के लिए सीबीआई आवास की बात ला दी है, घर गिराने की बात ला दी है। यादव जी की यहाँ आने की संभावना है, क्या आप लोगों को लगता है, क्या कुछ जानकारी है? ये आज रिपोर्ट शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे और समाज की, देखिए सारी घटनाओं के बाद भी समाज में सहिष्णुता जरूरी है, समाज में भाईचारा जरूरी है, उसको देखते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एक पक्ष के साथ जुड़ करके और पूरे समाज में भय व्याप्त किया है, ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ने वाले नहीं है, तोड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवरिया में लगातार जो है वो कवरेज दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से बड़े बड़े नेता मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस प्रशासन मिलने नहीं दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं कहीं यहाँ बड़े प्रशासन की जो नज़र कहा जाए एक चप्पे चप्पे पर है और पूरा जो ये फतेहपुर रुद्रपुर का क्षेत्र है छावनी में तब्दील हो गया साहब। अगर हम ये मामला शायद अगर ये जब घटना हुई थी इतना जितना सक्रिय पुलिस अब है, अगर उतना सक्रिय पुलिस तब रही होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। हमारे साथ पूर्व सांसद अगर हम बात करें तो रमाशंकर राजभर जी हैं और आपको बता दें बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार में गए थे, दोनों पक्षों में गए थे, मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ मामला है और कैसे कैसे क्या चल रहा है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, देवरिया में आप आए हैं, पीड़ित परिवार में गए थे, क्या माहौल है और शासन प्रशासन का यहाँ पर क्या माहौल है? देखिए देवरिया, देवभूमि देवरिया के माथे पर ये बदनुमा दाग लगा है और सीधे सीधे इसकी जिम्मेवारी पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग की है। इन दोनों विभागों की गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई और दो परिवार उजड़ गए, दोनों के बच्चे अनाथ हो गए। बड़ों के विवाद ने अनाथ बच्चों को आज बर्बाद कर दिया, अनाथ कर दिया बच्चों को। इसलिए आज जो देख रहे होंगे आप, स्वाभाविक है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक दल पुछार करने अवश्य जाते हैं, लोगों के वहां शोक संवेदना प्रकट करने जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और रेवेन्यू विभाग ने अपनी कमी छिपाने के लिए इस समय नापी नहीं हो सकती, फसल लगी हुई है और इस ऐसे समय में वो नापी करके एक और विवाद को उलझा रहे हैं और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इनको घर गिराना है, कौन सा भागा जा रहा है, अपराध और जमीन के मामले में कौन सी तुलना है, जमीन का विवाद। सर आप लोग लगातार समाज में कार्य करते हैं, लेकिन एक सवाल है आपसे कि जैसे अगर ये देखा जाए कि पुलिस प्रशासन को क्या इस घटना से पहले पता नहीं था कि प्रेम यादव का जो घर बना है वो सरकारी जमीन में बना है, इसके पहले भी नाप हो सकती थी, क्या घटना होने के बाद ये सब प्रक्रिया होने जा रही है? आप ये देखिए, जो अपराध हुआ है उस अपराध से और घर से क्या संबंध है, ये बड़ा विषय है। घर गिराना होगा, नापी हो जाएगी, खेत कट जाएंगे, फिर नापी हो जाएगी सिवान से, तीन सिवान से तो नापी हो नहीं पा रहे। कल अधिकारी जाके रेवेन्यू के खोजते रहे और सिवान ही नहीं मिला। तो ये अपराध, चूंकि प्रशासन ने एक बड़ा अपराध कर दिया है, उसको छिपाने के लिए और घटना को बहकाने के लिए सीबीआई आवास की बात ला दी है, घर गिराने की बात ला दी है। ये ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल गया था, हम लोगों ने मांग किया है कि सबसे पहले तो इसकी घटना की सीबीआई जांच हो, जो मृतक परिवार हैं उनके आश्रितों को एक एक करोड़ रुपया दिया जाए और उसके बाद से जो घर गिराने की बात है इसको फसल कटने के बाद उसकी नापी कराई जाए और जो निरपराध लोग फंसे हैं, क्योंकि घटना तो खुल चुकी है कि एक परिवार ने मारा, फिर दूसरे परिवार ने उसके प्रतिशोध में जो घटना हुई उसके बाद अभी तक तो हम लोग मिले, पीड़ित की माँ ने, पीड़ित की पत्नी ने कहा कि हमारा एफआईआर साधक पन्ने पर पुलिस ने दस्तखत करा लिया और एफआईआर ही नहीं जो हम चाहते थे लिखा। तो इस घटना को दोनों पक्षों में संवेदना और सामाजिक सहिष्णुता के लिए आवश्यक है कि पुलिस
निष्पक्ष इस मामले की जांच करे, जो निरपराध फंसाए जा रहे हैं उनको बरी करे। अब हमने तो सुना कि आप ही लोग आपके माध्यम से मालूम हुआ कि FIR में एक आदमी 90 बरस का है, FIR में एक आदमी 4 बरस पहले मर चुका है, FIR में प्रेमचंद मृतक वो मरने के बाद एक घटना हुई वो भी मुलजिम है। ये भी प्रकाश में आ रहा है कि उसमें जो लोग जब चूंकि पूरी घटना आधे घंटे एक घंटे के अंदर हो गई तो कैसे हमारे क्षेत्र भाट पार से लोग कैसे चले आए, तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था प्रतिनिधिमंडल को मौके पर कि जाके आप लोग सही स्थिति अखिलेश क्या कुछ मांगे रही है, हाँ? मृतक के परिवार की क्या कुछ मांगे रही है? मृतक का परिवार चाहता है कि हमारा घर न गिराया जाए, मृतक का परिवार ये चाहता है कि हमारी पुनः से FIR लिया जाए, मृतक का परिवार ये चाहता है कि हमारी सुरक्षा बनी रहे, और मृतक का परिवार बहुत दुखी है। और दोनों पक्षों में आप गए थे? हाँ, दोनों पक्षों में। अखिलेश यादव जी की यहाँ आने की संभावना है, क्या आप लोगों को लगता है, क्या कुछ जानकारी है? आज रिपोर्ट शाम तक लखनऊ पहुँच जाएगी, हाँ। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे, हाँ। और समाज की देखिए सारी घटनाओं के बाद भी समाज में सहिष्णुता जरूरी है, समाज में भाईचारा जरूरी है, उसको देखते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एक पक्ष के साथ जुड़ करके और पूरे समाज में भय व्याप्त किया है ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले हैं, और वो लोग चाहते हैं कि जनपद में कुछ लोग टूट जाए, तोड़ने की राजनीति उनकी सफल हो जाए, लेकिन समाजवादी जातिवादी नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि पूरे जनपद में भाईचारा कायम रहे और जो दोषी है उसकी सजा हो, कानून अपना काम करे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर जी थे और वो अपने पक्ष को रख रहे थे, ये मिलकर परिवार से मिलकर आए हैं। आप लोगों को इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।